नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर से हैं, जिसको लेकर राज्य में आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां बल्लभगढ़ में मैच चौराहे पर हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पीछे जो है वो पोस्टर लगे हुए हैं प्रचार प्रसार के। इसकी जो चढ़ाई है, यहाँ पर देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, अभी तक उतारा नहीं गया है। बावजूद भी पोस्टर्स उतारे नहीं गए हैं, इसे हम क्या कहें, आचार संहिता का उल्लंघन या कुछ और। ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतों की गिनती। अब क्योंकि मतदान की तारीख तय हो चुकी है, तो राज्य में आचार संहिता भी लग चुकी है। आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी दल अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ना पोस्टर ना होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये क्या, फरीदाबाद में तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं। आप साफ देख सकते हैं कि कहीं ऑटो पर प्रचार पोस्टर, तो कहीं दीवारों पर पोस्टर, तो कहीं होर्डिंग बोर्ड। सेक्टर 11 पुलिस चौकी व रेजिडेंशियल सोसाइटी के बाहर भी यही नजारा था। यहाँ पर भी पोस्टर लगे हुए हैं। राज्य में आचार संहिता लग चुकी है और यहाँ पोस्टर हटाने की बजाय उन पोस्टरों पर काली पोत दी गई है। अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिर किसने पोती नेताओं के चेहरे पर काली पोस्टर है, इस पर किसी नेता के चेहरे पर काली पोती हुई है। अब ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये कालिक नगर निगम ने पोती है या फिर किसी शरारती तत्व। हम पहुँचे नगर निगम अधिकारी जॉइंट कमिश्नर के पास। आचार संहिता लगने के बावजूद जो पोस्टर लगे हुए हैं, उसको लेकर हमने उनसे सवाल जवाब किए। आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए हमने जोन वाइज टीमें गठित की हुई है, हमारी इन्फोर्समेंट की टीम लगी हुई है। तो जहाँ भी पोस्टर बैनर या इस किसी भी टाइप की इलीगल विज्ञापन हो पॉलिटिकल, तो उनको हमारी टीमें हटाती हैं। और जो हमने 24 घंटे 3 शिफ्टों में 3 टीम लगाई हुई है, तो इस तरह की आचार संहिता के उल्लंघन को करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कितने बंदे के साथ टीम बनाई हुई है? हमारी एक टीम में एक जेई है और 5 हमारे वो हैं जो बेलदार टाइप के हैं। तो लगभग हमारे 1000-1500 पोस्टर बैनर वो डेली टीमें हटा रही हैं। और कार्रवाई हमारी रात को भी होती है, दिन में भी होती है। तो सर, इस तरीके से लगातार देखें, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं बावजूद इसके पोस्टर बैनर पिछली, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कुछ हमने FIR भी कराई थी, तो अगर बार बार उल्लंघन होता है तो हम FIR भी कराएंगे, जैसे हमने लोकसभा इलेक्शंस में कराई थी। अब भी हम FIR कराएंगे अगर इस तरह की हमें बार बार रिपीटेशन होती है। तो उनको क्या कुछ अपने ध्यान रखे, कितना वो परमिशन अटर्निंग ऑफिसर से लें। अगर परमिशन वैध है, विज्ञापन वैध है, तो हम उन पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो हमें दिखा देते हैं, कॉपी हमें भी करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जो वैध विज्ञापन है। अदरवाइज अवैध पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कहाँ कहाँ आपकी टीम लगी हुई है? टीम हमारी हर जोन में, जोन वाइज वार्ड वाइज हमारी टीम लगी हुई है। और हमने बल्कि सी विजिल ऐप है, जो इलेक्शन कमीशन, माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो वो है, उस पर पब्लिक भी अपने फ़ोटो करके विद लोकेशन अगर भेजती है, तो सी विजिल ऐप से भी हम उस पर समाधान करते हैं। उस पर हमारी टीम तुरंत FST फ्लैंक्स की टीम जो गठित की गई हैं माननीय उपायुक्त द्वारा, वो टीम जाती हैं और उनका उनका वहीं जो मामले हैं उनको निपटाया जाता है। सर, जैसे पोस्टर ये लगाते हैं नेता लोग, क्या उन पर एक्शन दिया जाएगा कोई? नहीं, फिलहाल हमने जितने भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो अभी मैक्सिमम है वो पुराने लगे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। उसको हटाने के बाद अगर फिर कोई लगाता है, तो इस पर बिल्कुल आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।